वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप आशा करते हो कि आप सब अच्छे होंगे और आप अच्छे ही रहें, ध्यान से रहें। तो आज की वीडियो है, जो हमने पिछले वीडियो में कटिंग दिखाई थी आपको एक स्ट्रेट लाइन में, तो स्ट्रेट लाइन डिजाइन ऐसा है जो सभी कपड़ों में अवेलेबल है, जैसे कि जॉर्जेट, कॉटन, रियोन और क्रेप। मैंने क्रेप चूज़ किया है और क्रेप में मैंने बनाया है, तो आप देखिएगा उसका डिज़ाइन कैसे। और एक हम सिंपल से कपड़े को थोड़ा डिजाइन देके एक अच्छी डिजाइनर कुर्ती बना सकते हैं। तो उसकी स्टिचिंग भी मैंने बहुत ही इजी वे में बताई है, जितना मुझसे हो सका फ्रेंड्स मैंने अच्छे से समझाया है। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और आप अच्छे से उसे स्टिच कर पाएंगे। तो पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये अपर पार्ट है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले प्लेट्स डालेंगे। तो नीचे से ऊपर की तरफ हम स्टिच चलाएंगे, जो मैंने बताया था आधा आधा इंच पे निशान लगाना है और फिर वापस नीचे ले लेंगे। तो इस तरीके से हमारी डबल स्टिच हो जाएगी और कभी निकलेगी नहीं। तो दूसरी तरफ भी ऐसे ही डाल लेंगे। तो ये हमने दोनों तरफ डाल ली है और बीच में हमने एक कट दे दिया है। अभी जो हमने फैब्रिक लिया था वो हम उल्टे अपर पार्ट पर सीधे पर उल्टी साइड से रखेंगे और इस तरीके से स्टिच दे देंगे। और अभी हम इसमें बीच में कट लगाएंगे क्योंकि वी गला है, और इसको दूसरी तरफ पलट देंगे। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा नेक, हमें गले की पट्टी नहीं लगानी पड़ी और देखिए नेक भी बन गया, तो है ना इजी। तो इस तरीके से ऊपर से हम टॉप स्टिचिंग दे देंगे। तो ये हमारा हो गया। अभी हम इसको इस तरीके से इक्वल फोल्ड कर लेंगे और ये पॉम्पम लेस लगाएंगे इस तरीके से। ये नेवी ब्लू कलर में है जो हमारी कुर्ती से मैच हो रही है। बहुत ही आराम से लग जाती हैं ये। अभी ये मेरे पास एक क्रोशिया लेस है, उस पर मैंने पॉम्पम लेस लगाया है और इसको हम नेक में लगाएंगे। पहले हमने लेस लगा ली है दोनों। अब इसको इस तरीके से हम स्टिच दे देंगे। बहुत ही आसान तरीके से बन जाती हैं ड्रेस, आप ट्राई कीजिए। जो बिगनर हैं वो भी इजी वे में बना सकते हैं, मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया है। तो देखिए हमारा नेक तैयार हो चुका है और ये देखिए सुंदर लग रहा है। अभी हम डोरी तैयार करेंगे जो हमें बाजू के लिए चाहिए। तो इस तरीके से हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे और फिर इसको इस तरीके से क्रोशिया की मदद से, या आपके पास कुछ भी हो पतला कुछ हो तो उसकी सहायता से हम इस तरीके से पलट लेंगे। ये देखिए ये इस तरीके से हम पलट लेंगे तो ये हमारी डोरी बनके तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से हम दूसरी डोरी बना लेंगे। अब हम इसकी नीचे से इस तरीके से एक लटकन बना लेंगे टसल्स, और इसको हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमने बहुत ही आसान तरीके से बना ली है आपके सामने। ये अब हम बाजू तैयार करने जा रहे हैं। तो इसका हमने ये दो पीस ले लिए हमने, और इसको हम इस तरीके से एक साइड से मोड़ देंगे, ये फोल्ड कर देंगे हम, क्योंकि यहाँ से हमारी डोरी निकलेगी। तो दोनों पीस इस तरीके से हमने तैयार कर लिए हैं।
अभी इस तरीके से हम स्टिच ले लेंगे, सीधी तरफ नीचे कपड़ा रख के, दोनों कपड़े सीधे रख के और इस तरीके से स्टिच लेके और ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे, तो इससे एक हमारा डिजाइन भी बन जाएगा, क्योंकि इसमें आड़ी पट्टी आ जाएगी और बाजू में लंबी पट्टी है, लंबा डिजाइन है, तो इसके साथ में ही उसको नीचे रख के स्टिच कर देंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से ही हम दूसरी बाजू भी तैयार कर लेंगे। अगर थोड़ा भी छोटा बड़ा हो जाता है तो हम एक आध चुन्नट डाल सकते हैं। अभी ये स्टिच हो गया है। अब इसको हम इस तरीके से देखा आपने कितने इजी वे में हमारी डोरी के लिए बाजू तैयार हो चुकी है। तो हम ये दो डोरी है हमारी, तो एक डोरी साइड में दबा देंगे स्टिच में इस तरीके से। ये देखिए, ये इस तरीके से दबा देंगे ऐसे। तो ये हमारी डोरी पक्की हो चुकी है इधर, और हम इस तरीके से पोम पोम लेस दबाते रहेंगे और स्टिच देते रहेंगे। तो ये हमारी बाजू में लेस भी लग जाएगी, डोरी भी दब जाएगी और जो हमारी टॉप स्टिच है वो भी हो जाएगी। तो बहुत ही आसान तरीका है, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। तो ये देखिए, ऊपर से खींचेंगे हम डोरी, तो ये अब हम पीछे का नेक बना लेते हैं। तो ये अम्ब्रेला पट्टी है, इसको इस तरीके से रखेंगे और स्टिच दे देंगे, और अभी हम इस तरीके से पट्टी रखेंगे और धीरे धीरे नेक पर ऐसे स्टिच ले लेंगे और बीच बीच में कट दे देंगे इस तरीके से, ताकि हमारा नेक एकदम फिनिशिंग से बैठ जाए। अभी ऊपर से स्टिच देंगे हम इस तरीके से, और फिर अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे नहीं, क्योंकि हमें पहले इस तरीके से ये जो हमारा फ्रंट वाला है पार्ट, उसको इस तरीके से स्टिच देंगे। ये दे दिया, अब उसके बाद में दूसरे शोल्डर की स्टिच दे देंगे। ये दे दिया, अभी इसकी फिनिशिंग कर लेंगे, और अब हम इसको अंदर की ओर मोड़ेंगे, तो उससे हमारे गला एकदम फिनिशिंग से हो जाएगा। देखिए इस तरीके से, और इस तरीके से ही नेक बनाना चाहिए। वो जो दोनों पीस हम ऊपर के टॉप के पीस तैयार करके और स्टिच देते हैं, वो बड़ा चीप लगता है। तो इस तरीके से फिनिशिंग के साथ स्टिच करें, और अगर आप धीरे धीरे स्टिच करेंगे तो आपके हाथ में फिनिशिंग आ जाएगी। आप ट्राई ज़रूर कीजिए। तो यहाँ से हम बाजू स्टिच करने शुरू करेंगे और इस तरीके से स्टिच दे देंगे, और फिर हम ऊपर प्लेट्स डालेंगे शोल्डर की तरफ। प्लेट्स डालने के लिए हम 2 इंच इस साइड लेंगे और 2 इंच उस साइड लेंगे, तो इस तरीके से डाल देंगे। 4 प्लेट्स हम इस तरफ डालेंगे और 4 प्लेट्स हम उस तरफ डालेंगे, तो इस तरीके से हमारी प्लेट्स आ जाएगी। और बाकी हम प्लेन स्टिच ले लेंगे इस तरीके से। आगे पीछे का बाजू का ध्यान रखें, क्योंकि हमें शोल्डर की तरफ बाजू में भी 1/2 इंच कटिंग गिरानी होती है, और ऊपर वाले अपर पार्ट में भी गिरानी होती है, तो तभी हमारे अच्छे से फिटिंग आती है। ये बाजू पर हम टॉप सिलाई दे देंगे, तो उससे हमारी अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी और देखने और पक्की भी हो जाएगी, क्योंकि डबल स्टिच हो जाएगी और देखने में भी सुंदर लगती है। जब भी आप स्टिच करें तो 2 स्टिच ज़रूर दें। अभी इस तरीके से हो गया है,
देखिए बाजू जो हमारी स्लीव्स हैं वो भी कितनी अच्छी दिखाई दे रही हैं। अभी हमने सेंटर कर लिया है, अब सेंटर करने के बाद हम एक पार्ट लेंगे पीछे वाला, और आगे पीछे का कोई भी हम पहले कर सकते हैं। अब उसमें हम स्टिच दे देंगे इस तरीके से, थोड़ी थोड़ी दूरी पे। आधा आधा इंच की दूरी पर हमने स्टिच दी है, क्योंकि हमारा फैब्रिक का जो पना था वो 60 इंच पर था। नॉर्मल 44 या 40 इंच का होता है, तो इसके अंदर अच्छा ज़्यादा घेरा आ गया है। तो इस तरीके से हमने देखे स्टिच दे ली है आगे पीछे की दोनों। अब ऊपर की तरफ हम फाइनल स्टिच दे देंगे, इससे सारी गैदर्स बैठ जाती हैं। तो आपने देखा कितना इजी वे में हमने एक स्टाइलिश सिलकर तैयार कर ली है, और इसमें ज़्यादा वक्त नहीं जाता। मुश्किल से हम कटिंग के साथ हम 1 घंटे में तैयार कर सकते हैं, आधा घंटा स्टिच और आधा घंटा कटिंग। तो अभी हमने सीधी साइड ही स्टिच दी है इसके, और अभी हम उल्टी साइड देंगे। तो जो हमने सीधी साइड दी है वो उल्टी साइड में बंद हो जाएगी, तो हमें इंटरलॉक नहीं करनी होगी। ये देखिए हमारी फिनिशिंग के साथ स्टिच हो गई है। तो पहले सीधी तरफ देंगे और फिर हम मेज़र करके और निशान लगा के फिटिंग का और स्टिच दे देंगे इस तरीके से। अभी हमने इसका फिटिंग का निशान लगाया था, अभी नंबर का लगाया है। जो भी आपका मेज़र है उसके हिसाब से अभी हम नीचे से फोल्ड कर देंगे। अभी आप देखिए मैंने कटिंग भी और स्टिचिंग एक साथ दिखाई है, तो आप इसको फॉलो कीजिए, पूरी वीडियो देखिए। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसकी स्लीव्स भी बहुत अच्छी बनी है डोरी वाली, और आप मुझे बताइए आपको कैसी लगी है। तो इसका फाइनल लुक ये आया है। आप इसको जींस के संग, लेगिंग के संग, जैगिंग के संग यूज़ कर सकते हैं, पहन सकते हैं, बहुत सुंदर दिखती है। घेरा भी बहुत अच्छा बना है इसका। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।